close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. ऑफ हैप्पीनेस. और आज है फ्राइडे और आज है 7 जून. तो आज हमारा एनिवर्सरी है. तो हम लोग, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग निकल गए थे सुबह ही 8 बजने के लिए, 10 मिनट्स बाकी था, घर से निकल गए थे. और अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों का कंप्लीट किया है. हम लोग जा रहे हैं आज नेशनल बनरघट्टा पार्क. और अगर आप यहाँ पर बेंगलोर में रहते हो तो पता ही है कि जो बनरघट्टा नेशनल पार्क है कितना ज़्यादा अच्छा है. लाइटिंग बहुत ज़्यादा आ रही है तो इसकी वजह से फेस कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है. तो ये सारा हम लोगों का कल ही रात को प्लानिंग हुआ था, कुछ भी इस तरह से स्पेशल नहीं था. तो हम लोगों ने सोचा कि चलो एनिवर्सरी है, पूरा दिन अगर बाहर में स्पेंड करेंगे तो एक मेमोरेबल हो जाएगा. तो लास्ट ये जो है हमारा 4th एनिवर्सरी है. तो फाइनली हम लोगों का जो मैरिज है वो 4 ईयर्स कम्प्लीट होके 5 ईयर्स अभी चलेगा. तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहा है. और माँ और दीदी भी यहाँ पर आए हैं तो बहुत ज़्यादा और भी अच्छा लग रहा है. प्रीवियस ईयर मेरे इन-लॉज मेरे पास ही थे, मीन्स वो लोग आए थे 7 जून को ही आए थे. तो चलिए चलते हैं पार्क और मैं आपको दिखाती हूँ सारे एनिमल्स के साथ मिलाती हूँ. तो ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और ये है बनरघट्टा का नेशनल पार्क. और इसका मेन गेट यहाँ पर स्टार्ट होता है तो हम लोग अभी एंट्री करेंगे, फिर कुछ टिकट लेना होता है. और ये पार्क को मैंने पहले भी आ चुकी हूँ, 2016 में मैं आई थी. तब मैं प्रेग्नेंट थी, 5 मंथ हुआ था अंजल को उस टाइम पर आई थी. और ऑलमोस्ट तो 3 ईयर्स हो गया है, मीन्स आसपास ही है 3 ईयर होने के लिए. तो यहाँ पर एंट्री गेट एंट्री करते ही यहाँ पर आप लोगों को छोटे छोटे यहाँ पर खिलौना दिखने को मिलेगा. बहुत ज़्यादा कैप यहाँ पर मिलता है, सनग्लासेस मिलता है और कुछ फ्रूट्स वगैरह मिलता था. और जैसे कि वहाँ पर जो काला जामुन होता है वो बहुत ज़्यादा मिलता था, ब्लैकबेरी जो बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलता था, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है. 20 रुपीज़ का बहुत सारा मिलता था, हम लोगों ने वो भी खाए थे. और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा स्टॉल उस टाइम पर बंद था क्योंकि हम लोग बहुत सुबह सुबह ही आ गए थे. ये सारे स्टॉल्स ओपन होता है 10 बजे के बाद और हम लोग यहाँ पर आए थे 9:30 के बाद. और ये जो टिकट काउंटर ओपन होता है 9:30 बजे. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एडल्ट के लिए, चिल्ड्रेंस के लिए, फॉरेनर के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए अलग अलग ही टिकट वगैरह था. तो हमारे पास सीनियर सिटीजन माँ ही थे तो माँ के लिए हम लोगों ने अलग पे किए थे और हम लोगों ने अलग पे किए थे जितना भी एडल्ट है. और उसके बाद चिल्ड्रेन के लिए भी अलग ही था, 130 कुछ था चिल्ड्रेन के लिए. तो ये हम लोगों ने टिकट बना के फिर एंट्री करेंगे. एंट्री का जो प्रोसेस होता है वो इस तरह से होता है. मैंने आप लोगों के साथ डिटेल्स इसलिए शेयर कर रही हूँ अगर कोई प्लान बनाता है आने के लिए तो उनको थोड़ा सा इजी हो जाए. और ये पार्क मस्त रहेगा क्योंकि ये बहुत अच्छा पार्क है, सारे एनिमल्स को आप पास में देखेंगे, ये कहीं पर भी नहीं मिलता है. हर जू में क्या होता है कि केज में रखा जाता है एनिमल्स को और हम लोग बहुत दूर से देखते हैं, बट ये नेशनल पार्क का ये एक खासियत के है कि सारे एनिमल्स को आप पास में देखेंगे. तो पहुँचते पहुँचते 10:30 इस तरह से हो गया था तो बहुत ज़्यादा धूप भी आई थी, गर्मी भी हो रहा था. तो यहाँ पर हम लोग ये बॉस में लेकर आ गए हैं. बॉस में आप लोगों को क्यू में खड़े होने के बाद एक बाई एक बस लेना पड़ता है. और आप लोग देख सकते हैं कि एनिमल्स को मैं कितना पास से देख रही हूँ और बहुत नज़दीक से हम लोग देख रहे थे. ये जो लायन है यहाँ पर हम लोगों ने कुछ भी शोर शराबा करते हैं तो वो अटैक भी करते हैं, बट बॉस के अंदर पूरा जाली
जाली से बनाया गया था तो बहुत सेफ्टी होता है, इस तरह से नहीं कि बहुत डर लगता है, इस तरह से नहीं। तो इसलिए वीडियो बनाते टाइम पर ये लाइन लाइन आप लोगों को दिख रहा है, ये जाली से मैं अपना मोबाइल को थोड़ा सा पास में लेकर बना रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और सारे बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर ये जो पार्क का खासियत ये है कि सेपरेट सेपरेट करके मीन्स एनिमल्स को रखा गया है। लायन अलग से रहते हैं, टाइगर अलग से रहते हैं, एलिफेंट अलग से रहते हैं, डियर जो है वो भी अलग से रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 मेल लायन थे और 1 फीमेल लायन था। तो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत टाइम तक ये लायन हमारे पास ही रुके थे, क्योंकि अगर वो लायन पास में आते हैं तो बस उनको क्रॉस करके नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक गेट रहता है। गेट के अगर उस पार चले जाएंगे ये एनिमल्स तो बहुत ज़्यादा खतरा भी होता है। तो इसकी वजह से ये लाइन जाने के बाद ही हम लोग गए थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारे जो वाइल्ड एनिमल थे उसको देख के आ चुके हैं। अभी हम लोग घूमेंगे जू, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया है टिकट को। यहाँ पर जू है और सफारी है। अगर आप एक साथ लेते हो तो कुछ डिस्काउंट आप लोगों के साथ रहता है, जैसे कि 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ कुछ चेंजेस रहता है मेन प्राइस से। अगर आप जू देखेंगे तो जू भी टिकट अलग से मिलता है, सफारी के लिए भी अलग से मिलता है। जो मैंने आप लोगों को दिखाया वो था सफारी, जो कि हम लोगों ने खुलेआम घूमने वाले जो एनिमल्स हैं वो एंजॉय किए। और ये है जू, जो कि केस में कैद करके रखते हैं, और ये सारे इसमें सारे टॉर्टेस रहते हैं, और सारे जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, सारे जो बार्ड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बार्ड्स, और हिपोपोटामस, इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स को यहाँ पर रखते हैं। तो कुछ कुछ मैंने एनिमल्स आप लोगों के साथ शेयर किया और कुछ शेयर भी नहीं किया था, क्योंकि जू में सिंपल सा हर जू में एक ही होता है कि इस तरह से बाढ़ को रखते हैं। वो मैंने आप लोगों के साथ एक मैंगलोर वाला वीडियो में भी शेयर किया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। बहुत अच्छा जू भी था वो मैंगलोर का, और ये बेंगलोर का भी बहुत अच्छा है, बट एज़ कम्पेयर टू मैंगलोर मुझे मैंगलोर का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये सारे एनिमल्स हम लोगों ने देखने के बाद, हम लोग 2 बजे करीबन हो गया था, 2 ढाई बज गया था। उसके बाद हम लोगों ने लंच के लिए गए थे, और आज एनिवर्सरी था तो हम लोगों ने सोचा कि एक बहुत स्पेशल वाला थाली लेते हैं। तो ये एक नॉर्थ इंडियन थाली था, और ये आप लोगों को अराउंड 1 किलोमीटर आगे आने के बाद ये होटल मुझे मिला था, मीन्स हस्बैंड को मिला था। तो हम लोगों ने यहाँ पर बैठ के खाना वाना खाए, और अंजल के लिए भी मैं दलिया की खिचड़ी लेके आई थी, वो उसको भी खिला दी, बट वो बहुत ज़्यादा नखरा दिखाती है खाने के लिए, ये आप सभी को पता है, तो बहुत मुश्किल से उसको भी मैंने खिलाई। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी जाके मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, और ये है राधा कांता, इनका नाम चेतन है, और ये रही छोटी सी एंजल। मामा से हाय। हाय।
करते हाई करते है। तो हम लोग अभी जस्ट थोड़ा सा फ्रेश हुए क्योंकि हम लोग आ गए थे 4:30 को आए थे, 4:30-5 हो गया था। आने के बाद सारे लोग थक गए थे तो थोड़ा थोड़ा करके रेस्ट किए और एंजल भी दूध पी के सो गई थी तो इसकी वजह से मैं और ज्यादा ब्लॉग को कट नहीं कर पाई। और कैसा लगा पार्क आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आज का दिन मेरा इस तरह से गया, थोड़ा सा सिंपल आप लोग बोल सकते हैं, सिंपल भी बोल सकते हैं, जो भी आप लोगों को चाहिए वो बोल सकते हैं, पर मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। फैमिली टाइम एक ऐसा टाइम होता है ना कि जितना भी टाइम स्पेंड करो उतना ही कम होता है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा रेडी होकर मिल रही हूँ क्योंकि अभी आधा घंटे पहले ही उठी थी, उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश हुई और हम लोगों ने अभी जा रहे हैं बाहर फिर से खाना खाने के लिए क्योंकि किसी का पेशेंस ही नहीं है खाना के खाना। बाबा, तो इसके बाहर जा रहे हैं और आज एनिवर्सरी भी था केक हम लोगों ने अभी तक नहीं लेके आए हैं, तो बाहर जा रहे हैं तो केक भी साथ में लेके आएंगे और फिर केक कट करके खा पी के फिर सो जाएंगे। और एनिवर्सरी आज का बहुत ज्यादा मुझे स्पेशल लग रहा है क्योंकि इस तरह से जो एनिवर्सरी मैंने कभी तक आज तक सेलिब्रेट नहीं किया था, ये जो 4th एनिवर्सरी था थोड़ा सा लोगों ने ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे बाहर रहे थे और मेरा जो किचन में छुट्टी था तो उसकी वजह से और ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हर दिन वही काम कर करके बोर लगता है कभी कभी बस। और जंगल का जो राजा को देख के आप लोगों को कैसा लगा, इस तरह से खुले आम पे काम करके जरूर बताना, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अगर आप बेंगलोर में रहते हो तो पक्का एक बार जरूर जाके वहाँ पर विजिट करके आएगा। साइलेंस जरूर जाके एक बार घूम के आएगा क्योंकि बहुत अच्छा प्लेस है। और आने के टाइम पर हम लोगों ने कथल लेके आए थे, जो पका हुआ कथल होता है उसको मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, हस्बैंड को भी बहुत ज्यादा पसंद है, तो 2 कथल लेके आए थे, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो चलिए ज्यादा मैं बातें नहीं करती हूँ क्योंकि कुछ है नहीं बताने के लिए, इस तरह से सारे जो चीजें मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड किया था और आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो अभी चलते हैं बाहर और आने के बाद केक कट करने के टाइम पर मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ। तो रात का बज रहे हैं 10:00 और अभी हम लोगों ने एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आप लोग जैसे कि देखा हम लोग बाहर गए थे, बाहर में हम लोगों ने वेज का मील पार्सल करके लेके आए हैं क्योंकि इन लोग जो है मेरे वो नॉन वेज नहीं खाते हैं, प्योर वेज खाते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने भी वेज ही खाए थे। और उसके बाद ये केक लेके आए थे तो सारे लोगों ने मिलके केक कट किए, केक को एंजॉय किए, खाना को एंजॉय कर रहे थे। फिर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे तो सो गए थे और कुछ बताने के लिए आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए इस तरह से नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो ये ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और ये मेरा लाइफ का बेस्ट एनिवर्सरी था जो कि मैंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया अपनी फैमिली वालों के साथ, बहुत अच्छा लगा क्योंकि अकेले रह के हर फेस्टिवल हर जोहार को सेलिब्रेशन करने का जो कमी था ना, मुझे लगा आज फुलफिल हो गया। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं ब्लॉग के थ्रू आप लोगों के साथ ईच एंड एवरी मोमेंट शेयर करती हूँ, तो ये मोमेंट भी मेरे बहुत ज़्यादा स्पेशल था तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो आई होप ये जो मेरा एनिवर्सरी ब्लॉग था आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा पाऊँगी, तो इसके वजह से ये ब्लॉग को और ज़्यादा मैं कंटिन्यू नहीं करती हूँ। तो मैं मिलती हूँ और एक नया वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।